नमस्कार, मैं आस्था चौहान, आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में स्वागत करती हूं। और आइए देखते हैं खबरें फटाफट। इंदौर में हुई बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। शनिवार को करीब आधे इंच बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के भोपाल केंद्र ने रविवार को भी मेघ बरसने की संभावना जताई है। विशेषज्ञों के अनुसार अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से सिस्टम अच्छी बारिश देगा। इंदौर में अब तक लगभग 7 इंच बारिश हो चुकी है। 27 जून को प्रशासन अकादमी ने जिला निर्वाचन अधिकारियों की ट्रेनिंग में इंदौर कलेक्टर निशांत वरवड़े ने ईवीएम को लेकर सवाल उठाए थे। इस पर चुनाव आयोग अब उन्हें नोटिस देने की तैयारी कर रहा है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस प्रवक्ता मानक अग्रवाल ने केंद्रीय निर्वाचन आयोग को इस संबंध में शिकायत की थी। इंदौर में दो युवतियों से छेड़छाड़ की गई। जब विरोध किया तो बदमाशों ने जान से मारने की धमकी दी। पहले युवती का कहना है कि युवक ने रास्ता रोककर मोबाइल नंबर मांगा। इसका विरोध किया तो उसने छेड़छाड़ करते हुए जान से मारने की धमकी दी। वहीं दूसरी घटना ने युवक के घर पहुंचकर बदमाश ने छेड़छाड़ की। दोनों ही मामलों के आरोपी फरार बताया जा रही है। इंदौर विकास प्राधिकरण ने 22 साल की मशक्कत के बाद स्कीम नंबर 71 में स्थित 2 मंजिला व्यावसायिक भवन मनी सेंटर पर कब्जा कर लिया है। 35,000 वर्ग फीट पर बने भवन की कीमत लगभग 50 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि प्राधिकरण ने 1995 में चिकित्सा उपयोग के लिए आरक्षित कर रियायती दर पर टेंडर पर बेचा था। उसके बाद इस पर भूमाफिया बॉबी उर्फ रविन्द्र सिंह छाबड़ा ने 52 दुकानें बना ली थी। इंदौर के कमला नेहरू चिड़ियाघर में 2 भेड़िया आपस में लड़ पड़े। इसमें एक भेड़िए की पेड़ की हड्डी टूट गई। हालांकि जू प्रबंधन के वेटनरी डॉक्टर ने ऑपरेशन कर पेड़ में रॉड डाली। 5 वर्षीय घायल भेड़िया महीने भर तक अस्पताल में ही रहेगा। बताया जा रहा है कि जू में फिलहाल 15 भेड़िए हैं। व्यापार में मंदी और पारिवारिक तनाव के कारण उमंग पैराडाइज निवासी एक ज्वेलर्स ने फांसी लगा ली। पत्नी जब मॉर्निंग वॉक से लौटी तो घटना का पता चला। पुलिस की प्रारंभिक जांच में डिप्रेशन के कारण आत्महत्या की बात सामने आई है। हालांकि कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। संभाग के सभी जिलों में शिक्षा को मजबूती देने के लिए अब सभी आंगनवाड़ी को प्री नर्सरी स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही प्राथमिक स्कूलों को खेल खेल से शिक्षा देने के लिए तैयार किया जाएगा। भारी बारिश के कारण अमरनाथ यात्रा में बार बार बाधा उत्पन्न हो रही है। इंदौर से रवाना हुए 160 में से 40 यात्री बिना दर्शन किए ही लौट रहे हैं। बाकी यात्री दर्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 3 दिन से उधमपुर के पास रुका हुआ है। घर से भटक 3 साल के एक बच्चे को पुलिस ने परिवार से मिलवा दिया। एक व्यक्ति ने बीजलपुर गांव में पुल के पास एक बच्चा मिलने की सूचना दी थी। इस पर राजेंद्र नगर पुलिस ने बच्चे को खोजकर परिवार के हवाले किया। अब प्राइवेट स्कूल 5 साल तक यूनिफॉर्म नहीं बदल सकेंगे और ना ही नकद फीस ले सकेंगे। अभिभावक फीस सीधे स्कूल के अकाउंट में जमा करेंगे। इतना ही नहीं, कोई भी स्कूल 10% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकता है। ये प्रावधान मध्य प्रदेश निजी विद्यालय नियम 2018 में किए गए हैं। इस नियम के ये प्रावधान भी किया गया है कि शैक्षणिक सत्र शुरू होने के 150 दिन पहले फीस स्ट्रक्चर घोषित करना होगा। बाइक चोर गिरोह ने इंदौर के एमवे अस्पताल से कई बाइक के ताले छटकाए। बाइक मालिक की शिकायत के बाद अब पुलिस बदमाशों की खोज में निकली तो उनकी नजर सरवटे बस स्टैंड पर वाहन चोरों पर पड़ी। पुलिस को देख चाय पी रहे तीनों बदमाश में एक तो चाय का कप छोड़कर भाग खड़ा हुआ। हालांकि 2 बदमाशों को धर दबोचा गया है। इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में एक युवक ने घर में घुसकर एयर होस्टेस की ट्रेनिंग ले रही अलीराजपुर निवासी 19 वर्षीय छात्रा से दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी। दोनों एक दूसरे को 2 साल से जानते थे। छात्रा की शिकायत पर अली पिता अब्बास बेग निवासी बंबई बाजार को गिरफ्तार किया गया है। आरोपित बंबई बाजार निवासी पार्षद का रिश्तेदार बताया जा रहा है। विधानसभा चुनाव के दौरान अलग अलग जगह वीडियोग्राफी कराने के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय ने टेंडर बुलाए थे। इनमें से 5 लोगों ने टेंडर डाले थे, जिनमें से 3 के आवेदन नियम शर्तों पर खरे न उतरने से पहले ही निरस्त कर दिए गए। 2 लोगों के टेंडर मंजूर हुए लेकिन उनके कुछ दस्तावेज नहीं थे, इससे पूरा टेंडर ही निरस्त कर दिया गया। अब दोबारा टेंडर बुलाए जाएंगे। चर्चित पिनेकल घोटाले में आरोपित आशीष दास को लेकर पुलिस पिनेकल ड्रीम्स स्थित ऑफिस लेकर पहुंची और रात 12 बजे तक दस्तावेज खंगाले गए। उधर एक टीम ने आशीष के पार्टनर पुष्पेंद्र उर्फ पप्पू की तलाश में उज्जैन में छापे मारे। पुलिस 4 दिन से पिनेकल स्थित ऑफिस से ही दस्तावेज बरामद करने में जुटी हुई है।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने नई टीम बनाई है। इसमें विनय बाखलीवाल को शहर कांग्रेस का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। कमलनाथ के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद टंडन को बदलने की चर्चा चल रही थी। कमलनाथ के खास समर्थक बाखलीवाल को कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर शहर संगठन में समायोजित कर लिया गया है। इंदौर ग्रामीण में सदाशिव यादव को अध्यक्ष नियुक्त करते हुए दो कार्यवाहक अध्यक्षों की नियुक्ति भी की गई है। सोहराब पटेल और मोती सिंह पटेल को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।